पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने तोड़ा क्रिकेट जगत के भगवान सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ बाबर आजम ने पूरे क्रिकेट जगत में बजाया अपना डंका। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम का बल्ला इन दिनों जोरों से चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई हालिया वनडे सीरीज में इस बल्लेबाज ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। दो धमाकेदार लगातार शतक जमाने के साथ ही उन्होंने आईसीसी रैंकिंग में भी अपने बादशाहत को और भी मजबूत कर लिया है। ऑल टाइम रैंकिंग के लिस्ट में बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रैंकिंग अंक हासिल कर दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ घर में खेली गई सीरीज में बाबर ने जमकर रन बनाए हैं। टेस्ट सीरीज में उनके बल्ले से कुल 390 रन निकले, जिससे दूसरे टेस्ट में खेली गई 196 रनों की पारी भी शामिल थी। तीन मैचों की वनडे सीरीज में बाबर ने आखिरी दो मैचों में लगातार शतक जमाते हुए टीम को 2-1 से सीरीज में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इस प्रदर्शन के आधार पर बाबर ने आईसीसी रैंकिंग में अपनी जगह और भी मजबूत कर ली है। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाली ऑल टाइम लिस्ट में अब बाबर आजम सचिन के ऊपर निकल गए हैं। सचिन 887 अंक लेने के साथ इस लिस्ट में 15वें नंबर पर कायम थे। बाबर ने 891 अंक लेने के साथ ही उनको पीछे कर इस स्थान पर जगह बना ली है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज विव रिचर्डसन हैं। उनके नाम 935 अंक हासिल करने का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर 931 के साथ पाकिस्तान के जहीर अब्बास हैं। तो तीसरा स्थान 921 अंक हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल हैं। चौथे नंबर पर इंग्लैंड के डेविड गॉवर हैं, उन्होंने 919 अंक हासिल किए थे। डीन जॉन्स ने 918 अंक के साथ इस लिस्ट में पांचवा स्थान हासिल किया था। 911 अंक लेकर भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने छठा स्थान हासिल किया था। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।